और सब ठीक है? आयो हैप्पी मदर्स डे। फिर से बोलो हैप्पी मदर्स डे। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो सुबह हो गया है और आज मुझे बाबू लेने के लिए आया है। क्या हो बाबू, कहाँ चलना है? नीचे देखिए, मेरा बाबू बोल रहा है मुझे नीचे जाने के लिए। साथ में नॉडी भी आया। क्या बोल रहे नॉडी, कहाँ चलना है? चलो चलो, देखिए नॉडी और बाबू दोनों को। तो गाइस चलते हैं नीचे, ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, फिर जो भी काम है। आज मार्केट भी जाना है, आज शोरूम भी जाना है, तो सारा काम करेंगे, फिर पढ़ाई लिखाई करना है। तो चलिए चलते हैं अपना काम में। पहले जाते हैं मंदिर, पहले प्रणाम करेंगे माता को, उसके बाद कोई भी काम करते हैं। सुबह उठने से सब नहाने धोवा के सबसे पहले ब्रेकफास्ट भी पहले भगवान से प्रे करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद ही कहीं जाते हैं। तो चलिए मंदिर चलेंगे, पहले भगवान को गोड़ लग लेंगे, उसके बाद कहीं जाएंगे। तो यहाँ रूम से ही शुरू करते हैं। जय गणेश भगवान। तो गाइस पूरा घर वगैरह सारा धोवा गया है, साफ हो गया है, तो चलते हैं मंदिर में पहले। यहाँ देखिए फूफा जी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, चाय रोटी ना फूफा जी। तो गाइस इधर है मंदिर मेरा, देखिए। जय माता दी। गाइस देखिए अभी हम किचन में आ रहे हैं, देखिए सीधा नाश्ता ही बन रहा है, पराठा बन रहा है और कढ़ाई तो खाली है। बच्चा वो भिंडी का सब्जी है, वही गर्म करके खाने वाले हैं। हम लोग खाना को बर्बाद नहीं करते हैं, खाना वैसे ही बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग जो है कि बिना खाए सो जाते हैं। तो हम लोगों को तो भगवान कम से कम इतना दे रहे हैं कि खाना है और बच भी जा रहा है, तो वो बचा हुआ खाना को बर्बाद ना करे, तो उसको गर्म करके खा लेंगे। आज घर में ज़्यादा कोई है भी नहीं ऐसे भी। हैप्पी मदर्स डे। फिर से बोलो हैप्पी मदर्स डे। नोज नोज कहाँ बाबू, नोज गुड। लिप लेग कहाँ, लेग फिंगर कहाँ, फिंगर कहाँ, फिंगर हेयर, हेयर देखो हेयर बता रहा है। लव यू, बोलो आई लव यू। आज मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह सारा हो गया, अब जा रहे हैं नॉडी को भी ब्रेकफास्ट देने के लिए। तो देखिए कुत्ता लोग के लिए शांत के रखे अंडा चावल, इसको देते हैं। चलिए नॉडी। तो गाइस देखिए नॉडी का खाना है ये, और नॉडी तक आया नहीं। बिस्टर को भी खाना दे रहे हैं, खा बिस्टर। देखिए गाइस बिस्टर खाना खा रहा है। आज देखिए मुस्कान रहा है, वीडियो कॉल किया और हमसे बात कर रहे हैं। हाँ अच्छा, और बोलो और सब ठीक है? हम लोग यहाँ से बैठे हुए भाई बहन लोग, और यहाँ मेरा ब्लॉग चल रहा है, और मेरा ब्लॉग देख रहा है कौन, रिया मेरा ब्लॉग देख रही है गलती से। तो गाइस घर से निकल गए हैं, जाना है शोरूम, तो अभी जा रहे हैं किशन के पास। देखिए अभी रास्ते में हम एक हाथ से बाइक चला रहे हैं, ऐसा आप लोग गलती मत कीजिएगा, मेरा मजबूरी है, इसलिए आज हमको एक हाथ से चलाना पड़ा और आपको दिखा रहे हैं ब्लॉग में। यहाँ पे कुछ प्रोग्राम है आज शाम में, तो हजारी बाग के लोग सब। गाइस हम लोग शोरूम आ गए हैं, मतलब ये वर्कशॉप आए हैं, और यहाँ पर भी गाड़ी रखा हुआ है, बस कुछ ही देर में जाने वाले हैं हम लोग। अरे किशन देखिए फ़ोन में लगा हुआ है, किसी का फ़ोन आया है। गाइस बाइक का एक्सीडेंट हो गया था, तो आए हुए थे शोरूम, और अभी तक देखिए वॉशिंग करने के लिए भैया आए नहीं है, और गाड़ी वॉशिंग में लगा हुआ है, इंतजार कर रहे हैं देखिए कब आते हैं। और किशन को मन नहीं लग रहा है, हम लोग बैठे हुए थे काफ़ी देर से अंदर में, अभी आया है। किशन को धूप चाहिए था, एसी में ठंडा लग रहा था, किशन को बोला एसी बहुत ख़राब लगता है हमको, तो चलो पंखा में, तो हम लोग आ गए बाहर, पंखा तो मिला नहीं। ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं हो गया सीधा। भाई देखिए अभी गाड़ी का वॉशिंग हो रहा है, बोल रही नहीं है। गाड़ी मिल गया है और हम लोग चले राइड पे। चलो
after. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. चलना है सैलून तो किसान को देखिए टाइगर सर बैठा हुआ है। टाइगर चल उधर रहो उधर रहो। फिर स्केच कर देगा गाड़ी में। देखिए गाइस किशन पूरा इस पर ध्यान दे रहा है। और यार देखिए सब बच्चा लोग खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है सब लोग। बाल कटवाने के लिए मेरा छोटी का बाल कटवा लिए हैं। अब जा रहे हैं घर। रात में बहुत टाइम हो गया। कितना बजे आया था? 7 बजे। कितना बज रहा है जी? 8। देखिए 8:17 हो गया गाइस। तो चलते हैं घर। तो खाना वाना खाएंगे तो तल्लो को भी देंगे। चलते हैं फिर। तो गाइस रात का हो रहा है 12 और अभी हम जा रहे हैं आरती बुआ का मैरिज में सभी का केक कटाने के लिए। सॉरी 12 नहीं बज रहा है, अभी 12 बजने में कुछ मिनट बाकी है। उसके बाद अभी का भी केक कटवाएंगे। तो चलिए चलते हैं मैरिज में सरी। तो देखिए गाइस देखिए हम लोग आ गए। अभी मैरिज में सरी का केक कटने वाला है। मौली का नहीं, फूफा जी और आरती बुआ का। तो मौली तो दर्शक के रूप में आई है और भी आई। और रोड में लगा हुआ कूलर ना, किधर लगा रोड में? रोड में नहीं, द्वार पे। अच्छा द्वार पे। क्या हो गया? केक एकदम दब गया, एक तरफ उड़ गया। तो आरती बुआ मोटा है, इधर मोटा है। फूफा जी पतला है, इधर पतला है। खत्म चल रहा है, केक खिलाने का रस्म चल रहा है। फूफा जी खिला रहे हैं आरती बुआ को। अब आरती बुआ खिला रहे फूफा जी को। अभी का बर्थडे का।